हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी के जो आपकी आरआरसी ग्रुप डी की जो वैकेंसी हैं लेवल वन की 2019 की 1,03,000 समथिंग वैकेंसी हैं, उसी के बारे में थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, देखिए मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्लीज़ एक कट ऑफ बताइए, मतलब एक सेफ स्कोर बताइए कि हम जो है 2019 की जो 1,03,000 कुछ वैकेंसी है उसमें कितना स्कोर करना होगा, कितने मतलब आपको कट ऑफ जा सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूँ, तो फ्रेंड्स बने रहिएगा पूरी वीडियो में। उससे पहले मैं फ्रेंड्स आपसे कहना चाहूँगा कि टेक्निकल हिंदू गुरु चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 2018 की कट ऑफ गई थी उस कट ऑफ को लेकर यहाँ पर मैं यहाँ पर एक अनुमानित कट ऑफ बताऊंगा कि आपकी इतने 2019 की वैकेंसी में इतनी कट ऑफ होनी चाहिए, यानी इतने नंबर आपका स्कोर होना चाहिए जिससे आपको जो क्वालिफाई हो जाए उसमें, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं 2018 की कट ऑफ जोन वाइज, उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताता चलूंगा कि इतनी इतनी कट ऑफ आपकी इस जोन की रह सकती है। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, हम रेलवे की सभी अपडेट्स वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने 2018 की कट ऑफ ओपन कर ली है चंडीगढ़ जोन की। तो इस कट ऑफ को देखकर मैं आपको बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। सबसे पहले आप देख सकते हैं जनरल की जो कट ऑफ रही थी चंडीगढ़ जोन की वो 75.07 रही थी, ठीक है। तो देखिए मैं आपके लिए एक अनुमानित कट ऑफ, संभावित कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो जनरल की कट ऑफ थी वो 75.07 थी, ओबीसी की 68.55 थी और एससी की 64.39 थी। उसके बाद एसटी की अगर हम बात करें तो 55.13 आपकी रही थी। तो यहीं पर अगर हम बात करें जनरल की, तो जनरल की आप मान के चल सकते हैं कि 80 के समथिंग आपके नंबर रहने चाहिए, ठीक है। यानी कि 75 से 80 नंबर के बीच आपके होने चाहिए जनरल के लिए। उसके बाद ओबीसी के लिए यहाँ पर 68 से 74-75 की समथिंग आपकी कट ऑफ होने चाहिए नंबर, ठीक है। एससी की यही रहनी चाहिए कि आपकी 66-67 के समथिंग रहनी चाहिए। एसटी की भी आपकी 57-58 के समथिंग रहनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, कट ऑफ जो है इस बार कम नहीं जाएगी, कट ऑफ 4-5 नंबर ज़्यादा ही कट ऑफ जाएगी हर जोन की, जो पिछली साल 2018 की कट ऑफ गई थी उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तब, ठीक है। तो ये तो रही चंडीगढ़ जोन की। आगे देखते हैं बिलासपुर जोन की। बिलासपुर की जनरल की जो कट ऑफ रही थी 70 रही थी, यहाँ पर भी आप सोच सकते हैं कि 74-75 रहनी चाहिए आपकी इस बार कट ऑफ बिलासपुर जोन की, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तब। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 66 गई थी, तो आप मान के चल सकते हैं कि 68 या 70 के समथिंग रहनी चाहिए, यानी कि 68 या 70 के समथिंग रहनी चाहिए। एससी की यहाँ पर 59 है, तो 53-54 एसटी की रहनी चाहिए। एसटी की बात करें तो एसटी की आपकी 52 है, तो 55 के समथिंग यहाँ पर रहनी चाहिए। आगे देखते हैं यहाँ पर भुवनेश्वर जोन का। भुवनेश्वर की जो जनरल की बात करें तो 73.86 रही थी, ओबीसी की 69.13 रही थी, एससी की 60.82 रही थी, एसटी की 55.83 रही थी। तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर मान के चल सकते हैं जनरल की 75 के समथिंग रहनी चाहिए, यहाँ पर आपकी 72-71 के समथिंग रहनी चाहिए ओबीसी की। उसके बाद एससी की बात करें तो यहाँ पर 64-65 के समथिंग रहनी चाहिए, यहाँ पर करीबन 60 के समथिंग रहनी चाहिए। तो यहाँ पर मान सकते हैं 4-5 नंबर आपके जो है ज़्यादा होने चाहिए, कम नहीं रहने चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूँ, स्कोर जो है वो आप इतना बनाकर चलिएगा कि 4-5 नंबर पिछली कट ऑफ से ज़्यादा रहने चाहिए, तभी आप मान के चलो। बहुत से छात्र ये भी कहेंगे कि हो सकता है कम भी जाए, लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर आप ये सोच के चलेंगे कि हमें इससे कम नंबर लाने हैं तब आप कहीं भी क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। आप ये सोचिए कि इतनी कट ऑफ से हमें ऊपर ही करना है, बेशक कम ही जाए इससे मतलब नहीं है, ठीक है, कम ही जाए, लेकिन आप तो ये सोच के चलिएगा कि इससे ज़्यादा कट ऑफ हमें बनाना है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं सिकंदराबाद जोन की। तो जनरल की जो सिकंदराबाद की थी 69 गई थी, और ओबीसी की 65, एससी की 59 और एसटी की 56 गई थी। तो यहाँ पर आप 4-5 नंबर बढ़ा सकते हैं, यानी कि 73-74 यहाँ रह सकती है, 68-69 रह सकती है। एससी की यहाँ पर 62-63 के समथिंग, यहाँ पर एसटी की यहाँ पर 56 रही थी पहले, तो 60 के समथिंग आप मान के चल सकते हैं। उसके बाद गुवाहाटी जोन की अगर हम बात करें तो जनरल के लिए 77 रही थी, ओबीसी के लिए 72, एससी के लिए 67 और एसटी के लिए 57। तो यहाँ पर आप मान के चल सकते हैं 80 के समथिंग या 75 के समथिंग, और यहाँ पर 70 के समथिंग, और यहाँ पर 60 के समथिंग। तो इस तरह से कुछ कट ऑफ आपकी रहने वाली है जो आपके आने वाले टाइम में जो 2019 की वैकेंसी है उसके लिए। उसके बाद गोरखपुर की अगर हम बात करें, जनरल के लिए 73 रही थी, ओबीसी के लिए 69, एससी की 60 और एसटी की 54। तो यहाँ पर भी आप 75-76 मान सकते हैं, ओबीसी के लिए 72-73, एससी की 64-65 और एसटी की 54।
एन की रही थी, तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 57-58 ST की रहनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करें रांची जोन की, तो रांची जोन में जो आपकी कट ऑफ रही थी जनरल की वो 76 रही थी, ओबीसी की 71, एससी की 62, एसटी की 58। तो यहाँ पर मान के चल सकते हैं 80, यहाँ पर मान चल सकते हैं 74-75, यहाँ पर 65-66 और यहाँ पर करीबन 62-63 समथिंग रहनी चाहिए। तो इस तरह से आपके 4-5 नंबर हर जोन में आप इंक्रीज करके चलिएगा, क्योंकि आप जितना स्कोर करके चलेंगे उतना आप मेहनत करेंगे और आप सोचेंगे कि यहाँ पर 75 रही तो हम 70 जा सकती है। तो ये सोचकर बिल्कुल मत चलिएगा, आप ये सोचिए कि यहाँ पर 80 इस बार कट ऑफ जाएगी, ठीक है। आप ये सोचकर चलेंगे तब कहीं आपके 75 नंबर बन पाएंगे। तो इस तरह से भोपाल जोन की जब बात करें तो 75 गई थी, 70, 63 और 59, 58। तो यहाँ पर भी आप 80 के समथिंग मान के चलिएगा, 75, 65 और यहाँ पर 62, 63। तो इस तरह से कुछ आपकी कट ऑफ रहने वाली है। बैंगलोर जोन की बात करें तो जनरल के लिए बैंगलोर जोन की 62, ओबीसी के लिए 56, एससी के लिए 49, एसटी के लिए 48। तो यहाँ पर भी आप 4-5 नंबर इंक्रीज करके चल सकते हैं। उसके बाद चेन्नई जोन की बात करें तो जनरल के लिए 71, ओबीसी के लिए 68, एससी के लिए 61 और एसटी के लिए 55। तो यहाँ पर भी आप 4-5 नंबर ज़्यादा मान के चल सकते हैं, जिस तरह से आप 75 रह सकती है, 72, 73 या 65 के समथिंग या 60 के समथिंग। तो इस तरह से कुछ आप मुंबई जोन की बात करें तो जनरल के लिए 67, 63, 58 और 52 रही थी। उसमें यहाँ पर देख सकते हैं 70 के समथिंग जा सकती है, 63 यहाँ 65 के समथिंग, 63-64 यहाँ पर देख सकते हैं एससी के लिए और एसटी के लिए 55-56 के समथिंग यहाँ पर रहने वाली है। पटना जोन की अगर हम बात करें तो पटना के लिए यहाँ पर 77 रही थी या 72, 61 या 58। तो यहाँ पर रह सकती है आपकी 80, 75, 65 और यहाँ पर 62-63 समथिंग। अजमेर की अगर हम बात करें तो अजमेर की जनरल की जो है 73 रही थी, ओबीसी की 70, 63, 60। तो इस तरह से 4-5 नंबर इंक्रीज करके यहाँ पर रह सकती है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें कोलकाता जोन की, तो कोलकाता जोन जो आपका 80 के समथिंग यहाँ पर 80 रुकी थी, उसके बाद ओबीसी की 71, एससी की 71 और एसटी की 55। यहाँ आप देख सकते हैं ओबीसी और एससी में केवल यहाँ पर 0.17 का डिफरेंस है एससी और ओबीसी में। तो इस तरह से यहाँ पर भी कट ऑफ आपकी रह सकती है, इतनी आप 4-5 नंबर इंक्रीज करके देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अलावा जोन की अगर हम बात करें तो अलावा जोन की जनरल की 74 रही थी, एससी की 62, एसटी की 50 और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 69। तो इस तरह से यहाँ पर भी आप 80 के समथिंग मान के चल सकते हैं, 4-5 नंबर अंक बढ़ाकर आप जो है इतनी मेहनत कीजिएगा कि 4-5 नंबर आपके यहाँ पर इंक्रीज हो जाए। उसके बाद अहमदाबाद जोन की बात करें तो अहमदाबाद के लिए 71, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 66, एससी की 60 और एसटी की 57। तो यहाँ पर भी आप मान के चल सकते हैं 75, यहाँ पर 70, यहाँ पर 65, यहाँ पर 60 के समथिंग। तो देखिए जिस जोन से आपने फॉर्म को फिलअप किया उस जोन की जो कट ऑफ है, मैंने सभी जोनों की कट ऑफ पिछले साल की बता दी 2018 की वाली वैकेंसी की। तो आप वहाँ पर जो है कुछ नंबर ज़्यादा यानी कि 4 से 5 नंबर ज़्यादा सोच कर चलिएगा कि अगर किसी जोन की 70 गई है तो वहाँ पर आप ये सोचिए कि हमें 75 नंबर लाने हैं तभी आपके 70 पर पहुँच पाएंगे, क्योंकि आप अगर सोचेंगे कि 70 लाने हैं तब आप 65 पर ही रह जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन में नहीं पता कौन सा क्वेश्चन कहाँ रखा मिल जाए। तो 4-5 नंबर ज़्यादा लाने की प्रयास कीजिएगा जिससे आपका स्कोर वहाँ पर बन सके। अब देखते हैं कि इसकी परीक्षा कब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख सकते हैं पीडीएफ यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया, तो अगर हम इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी जो आपका होने वाला है 2019 की वैकेंसी का, वो सितंबर से अक्टूबर महीने में आपका एग्जाम करवा दिया जाएगा, क्योंकि आचार संहिता का टाइम है और आप अभी परीक्षा नहीं करवाई जा सकती है आचार संहिता में। आप सभी को पता है रेलवे में करोड़ों से फॉर्म पड़ते हैं, तो ज़्यादा भीड़ होने के कारण यहाँ पर नहीं करवाई जा सकती और ट्रांसपोर्टेशन में भी थोड़ी दिक्कत रहती है छात्रों को। तो आप यहाँ पर बहुत से छात्र इस असमंजस में है कि यहाँ पर सितंबर में होगी परीक्षा या अक्टूबर में। तो देखिए यहाँ पर क्राइटेरिया उन्होंने दिया है, हो सकता है बढ़े, लेकिन आप इस चीज़ को ना सोच कर चले कि परीक्षा जो हमारी पोस्टपोन्ड हो जाएगी, डिले हो सकती है, बढ़ सकती है। आप तो बस इस चीज़ को मानकर चले कि हमारी जो परीक्षा है वो सितंबर में ही स्टार्ट होगी। वो बढ़ना नहीं बढ़ना वो तो बाद की बात है, लेकिन आप इस चीज़ को मान के चले कि हमारी परीक्षा सितंबर में होगी और हमें सितंबर से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है जितना भी यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका प्रीवियस ईयर यानी कि 2018 की वैकेंसी में जो रहा वही सिलेबस आपका यहाँ पर भी अब रहने वाला है, ठीक है। तो ये सभी मैंने आपको बता दिए और जो कट ऑफ है आप जो है 4 से 5 नंबर अधिक मानकर चलें कि हमारी इतने से इतने नंबर ज़्यादा हमें लाने हैं, लेकिन और ज़्यादा लाने का प्रयास करें बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप क्वालिफाई हो ही जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये था पूरा अपडेट, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।